अरे जगन्नाथ तो आया ही नहीं। मैंने उसको स्कूल के बाद बोला तो था कि स्कूल के बाद आ जाए यहाँ पे, अभी तो आया ही नहीं है। वरांग में आ गया। अरे जगन्नाथ जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो आ जाओ कुछ खेलते हैं। चलो 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 आ जाओ, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। तुम भागो, मैं पकड़ता हूँ। शॉप रुक जाओ, मैं पकड़ने वाला हूँ तुम्हें। ये अरे ब्रेक मत मारो, मैं पकड़ लूंगा, बस दो। ओ, पकड़ा गया। अब मैं पकड़ रहा। बस अरे यार चलो आ जाओ, हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। नहीं नहीं मैं बहुत थक गया, चलो हॉर्स रेस करते हैं। हॉर्स रेस? हाँ चलो ठीक है, हॉर्स रेस ही करते हैं। 3 2 1 गो। मैं जीतने वाला हूँ। मैं जीत गया, मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। चलो चलो, मेरे को भूख लग रही है। अरे मेरी माँ ने हम दोनों के लिए भेजा है कुछ खाने को। क्या भेजा है? मेरे को तो बहुत भूख लग रही है। रसगुल्ला भेजा, खाओगे? हाँ हाँ खाऊंगा, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। चलो चलो देखते। हाँ चलो आ जाओ, देखते हैं उसमें क्या है। रसगुल्ले है ना? हाँ हाँ है। अरे वाह, तुम तो कटोरी चम्मच भी लाए हो, आज तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। अरे आज तो तुम रसगुल्ले के साथ पूरी कटोरी चम्मच भी लाए हो। मेरा मजाक उड़ा रहे क्या? नहीं नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बस बता रहा हूँ तुम तो आज पूरी तैयारी के साथ आए हो। पता है मुझे क्या बता रहे तुम? अरे वाह कितने अच्छे रसगुल्ले हैं। अरे खोलना जगन्नाथ जरा। अच्छा खोल रहा हूँ। तेरे जितना दम किस में? मेरे से सही बोला, मेरे से ज्यादा दम किसी में है ही नहीं। चलो एक खाओगे? हाँ हाँ खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। लो चाशनी भी? हाँ चाशनी भी दो, मेरे को चाशनी पसंद है। अच्छा अभी इतनी मिली, बाद में पी लेना। हाँ हाँ ठीक है पी लूंगा। चम्मच दे दो। नहीं नहीं ऐसे खा। चम्मच के बिना खा लूँ? हाँ तो इसको निकालूंगा क्या मैं अपने हाथ से? ठीक है कोई बात नहीं। बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी माँ के हाथ के बने हैं। तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है सच में। अरे तुम्हारी मम्मी भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो है ही। एक और तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पेट भर जाएगा इसी से। अरे पहले खाओ खाओ। देखते हैं। हिसाब हो गया बराबर। एक और ले लो, एक और। नहीं नहीं मैं पेट तो भर गया लेकिन मन तो कर रहा है। ले लो ले लो। चलो दे दो, बहुत बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। थोड़ा सा चाशनी भी दे दो। अरे चाशनी बाद में पी लूं। बस बस मेरे को चाशनी बहुत पसंद है ना इसीलिए। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। कल मैंने तुम्हें गुलाब जामुन खिलाया था, आज तुमने मेरे को रसगुल्ले खिला दिए। और कल तुम मुझे संदेश खिलाएगा। परसों क्या खिलाएगा तुम? परसों रबड़ी। मैं पेट बहुत भर रहा है। अरे अभी तो एक और है। एक और? हाँ मैं खा गया है घर से। ये भी खा, ये अभी खाया नहीं जा रहा। खा ले खा ले। एक तो तुझे गिरा भी दिया मैंने। तोते को भी खिला दिया। अच्छा लगा तुमको? मजाक मत कर, देख मच्छर आ गया। मक्की मक्की मच्छर जोड़ लिया मैंने मच्छर। चलिए कॉल करो। नहीं मैं उल्टी हो जाएगी। उसका तुम घर जाके खिला देना किसी को। अरे अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ तो अच्छा लग रहा था लेकिन ये ऐसे सुख की शुरू होता है फिर बाद में खत्म भी हो जाता है, उसके बाद ये सुख हमें दुख देता है। ऐसा क्यों होता है?
भगवान ने पांचवें अध्याय में 22वें श्लोक में बताया है, ये ही संपर्श जाबोगा दुखायो ना एवते अंत आदि अंतवंत कौन्तेया नाते सुरमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इस दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते, जो कि इंद्रिय भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आने में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक इंद्रियों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति इसमें भोग नहीं करते। और बच्चों क्या हो रहा है? अरे पिताजी। क्या चल रहा है? आज हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? जैसे आज मैंने को दो रसगुल्ले खिलाए जो माँ ने दिए थे, फिर इनको शुरुआत में तो बहुत अच्छे अच्छे लग रहा था, फिर अंत में ये बोले इनको उल्टी आने लग गई। या फिर हम दोनों ने भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वें श्लोक से हमने ये सीख ली कि जो भी सुख लेते हैं उसका एक शुरुआत होता है और एक अंत भी होता है। ठीक का बच्चों, अभी तुम लोग चलो। हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ खेलो कूदो। इसका क्या ले जाओ, और जिसको और खाने की इच्छा है उसे खिला दो। ठीक है, ठीक। आपने सही बात बोली। चलो अब हम लोग खेलेंगे। ठीक है, जाओ जाओ, चलो खेल ले। तो हमने देखा कि आज हमारे दोनों बच्चों गौरांग ने और जगन्नाथ ने एक अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि जगन्नाथ जब रसगुल्ला खा रहा था, उसने महसूस किया कि जब उसने एक रसगुल्ला खाया उसे अच्छा लगा, दूसरा रसगुल्ला खाया तो उसे और अच्छा लगा, लेकिन जब वो ज़्यादा रसगुल्ला खाने लगा तो उसको धीरे धीरे जो रसगुल्ला खाने की इच्छा थी ख़त्म होती गई, और एक स्थिति यह आई कि उसको उल्टी सी होने लगी। अर्थात हम अगर ध्यान दें तो हमने ये देखा कि जो इंद्रियाँ हैं उनके सामने जब भोग लाया गया, मतलब इंद्रियों को भोग वस्तु चाहिए होती है, उससे इंद्रियाँ आनंद प्राप्त करती हैं, और जब वो भोग वस्तु उसके सामने प्रस्तुत की गई तो कुछ समय के लिए तो उसने सुख प्रदान किया, अर्थात प्रारंभ में सुख प्रदान किया, लेकिन जो अंत हुआ वो काफ़ी दुखद हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं जो सुख हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है उसका एक प्रारंभ है और एक अंत है, अर्थात ऐसा नहीं कि वो सुख हमेशा बढ़ता जाएगा, वो सुख कभी न कभी आके समाप्त हो जाएगा, जबकि वास्तविकता ये है कि हम एक ऐसे आनंद की खोज में रहते हैं जो हमेशा नित्य बढ़ता रहे। हम ऐसा कोई आनंद नहीं चाहते जो अभी तो प्राप्त हो और कल समाप्त हो जाए। तो वास्तविकता में जो हमने अभी सुख की अनुभूति की, जगन्नाथ जी ने जो सुख की अनुभूति की, ये एक तरह की दुख निवृत्ति है, क्योंकि आपको कुछ पेट में भूख लगी थी और आपने कुछ रसगुल्ले खाए, आपको शांति मिल गई, और जब वो पेट मतलब जो आपका दुख था वो दूर हो गया तो आपको और रसगुल्ले खाने की इच्छा समाप्त हो गई। वास्तविकता में जैसे हम आप देख सकते हैं कि अगर एसी में गर्मी है, गर्मी का समय है और आप चाहते हैं कहीं अच्छा सा मौसम मिल जाए, ठंडा ठंडा मौसम मिल जाए, तो आप क्या करते हैं, रूम में गए, आपने एसी ऑन कर दिया, एसी आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून प्रदान करता है, लेकिन जब वही रात रहती है और वही एसी उसी गर्मी में जब आपको चिल करने लगता है तो आप क्या करते हैं, एसी को स्विच ऑफ कर देते हैं, उस समय आप उस एसी को कंटिन्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो एसी आपके लिए प्रॉब्लम करने लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में जो भी हम भोग भोग रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा, वो एक्चुअल में दुख निवृत्ति है, केवल दुखों को दूर करने को, जो दुखों के दूर होने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। अगर वास्तविक आनंद हमें प्राप्त करना है तो हमें आत्मा का सुख के बारे में जानना पड़ेगा। जो अध्यात्म का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, वही वास्तविक आनंद है। इसलिए हमको अगर अध्यात्म के बारे में या आत्मा के सुख के बारे में जानना, जो कि वास्तविक आनंद है जो निरंतर बढ़ता जाएगा, अगर उसको जानना है तो हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में इस अध्यात्म के बारे में, इस आत्मा के सुख के बारे में बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भगवद गीता पढ़िए और अपने इस वास्तविक सुख को जानने का प्रयास करिए।